बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों आज मैं आपको हार्पिक के बारे में बताऊंगा कि यदि अगर कोई बच्चा हार्पिक पी लेता है तो उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई बच्चा या फिर बड़ा अगर हार्पिक पी लेता है तो दोस्तों ऐसा समझो कि अगर मैंने हार्पिक पी लिया, हार्पिक जब मैं पीता हूं तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो हमारे मुंह में पड़ने के बाद हमारी जीभ को और हमारा जो तालू है उसको सही तरीके से जलाता हुआ पेट में जाता है और हमारी सांस नली को और जीभ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देता है और हमारी जीभ में और तालू में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा हो जाता है दोस्तों जैसा कि हमारी जीभ और सांस नली बहुत तेज़ी से किसी ने जला दियो और इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। हालांकि यहाँ पे जो है साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि अगर किसी ने हार्पिक पिया है जैसे, और पीते हुए ऐसा समझ लो कि थोड़ी देर उसने मुंह में अपने हार्पिक रोक लिया तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सीधा उसने पी लिया और पी के सीधा अमाशय में मतलब पेट में चला गया तो जहाँ जहाँ हार्पिक गया है मतलब मुँह में, जीभ में और साइडों में, गालों में और अंदर तालू में, ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्फेक्शन उसका होगा ही इस तरीके से जैसे कि किसी ने जला दिया हो और बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होती है। और जब पेट में जाता है अमाशय में तो वहाँ पे तो हार्पिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है अमाशय को, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मरीज बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, शीशक उठता है, मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि अगर हमारी त्वचा पे कोई बाहर की ओर जला दे तो हमको मतलब पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अंदर त्वचा में हमारे अंग को कोई किस तरीके से डैमेज कर दे तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसके पीने से आदमी की मौत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब इसके पीने से आदमी की मौत नहीं होती है, फिर बच्चे की मौत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन भी कारगर नहीं होती है और ऑपरेशन करना पड़ता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके ऑपरेशन ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बहुत ही कम ऑपरेशन इसके सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन दोबारा भी करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिए कि कोई बच्चा किसी तरीके का हार्पिक ना पी ले, और आप वीडियो अंत तक देखते रहिए क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी बच्चा या फिर बड़ा अगर हार्पिक पी लेता है तो उससे किस तरीके से बचता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी दवाई के बारे में बताऊंगा। तो भाई इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी ने भी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हार्पिक पी लिया है और उसके अमाशय में जो है एसिड एल्कलाइज हो गया है तो उसको सबसे पहले हम इंटरलाइज करते हैं, और इंटरलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि एकदम से तो मेडिकल पे या अस्पताल में नहीं पहुंचा जाता है, या फिर अगर थोड़ा सा पी लिया है तो उसके लिए आप बच्चे ने या फिर बड़े ने तो उसके लिए आप सबसे पहले घर में अगर कच्चा दूध रखा हो तो मरीज को वो पिला दें क्योंकि उससे आपने जो है एसिड एल्कलाइज जो पिया है, जो हार्पिक पिया है, जो आपके पेट में सल्फ्यूरिक एसिड पहुंच चुका है तो उसका सही तरीके ज़्यादा असर नहीं होता है, आपके पेट को ज़्यादा जलन महसूस नहीं करता है, ज़्यादा डैमेज नहीं करता है और उसका ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और उसके बाद आप जो है मार्केट में जाके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लिक्विड आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। यदि अगर मरीज के आंतों में बहुत ज़्यादा पेट में अमाशय में सूजन हो जाती है तो उसके लिए आप हाइड्रोकोड इंजेक्शन आता है 100 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जो है मरीज को एंटीबायोटिक्स दवाई चलाएं।
एंटीबायोटिक्स दवाई से जो है मरीज के आमाशय में जो इन्फेक्शन हुआ है, जो सूजन हुआ है, तो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। और दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई भी व्यक्ति कोई जहरीली चीज खा लेता है या हार्पिक खा लेता है, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पेशेंट को तुरंत जो है पलटिया कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके पेशेंट ने हार्पिक पिया है और आप अगर उसे पलटी कराएंगे तो आपके पेट में सल्फ्यूरिक एसिड गया, एसिड एल्कलाइज गया आपके पेट में, और जब आप पलटी कराएंगे तो उसके बाद पलटी कराते हुए आपके पेट में से फिर वो बाहर आएगा। तो मतलब एक बार जलन जाने की और फिर एक बार जलन आने की, तो इसका मतलब आपके पेट में इन्फेक्शन दोगुना हो जाएगा, खाने वाली नली में भी, सांस नली में भी, और मुंह में भी, और पेट में भी, तो दोगुना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है पलटिया नहीं कराते हैं, जो मैंने मेडिसिन बताई है आप जो है उसी मेडिसिन का यूज करें, और घर में जो कच्चा दूध है उसको एकदम से तुरंत मरीज को जो है पिला दे, जिससे कि उसका असर बहुत ज्यादा कम हो। और दोस्तों मेडिसिन जो है आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप मुझसे कॉल करके पेशेंट की स्थिति बता के और मेडिसिन पूछ सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Yeah!